थोड़ी देर बाद निकलने वाला हूँ। पहले मैं खुद ही चलाता था लेकिन अभी नया ये वाला लेके आया, इसीलिए अभी हम लोगों का डिस्प्ले लगभग सजा चुका है, थोड़ा और नीचे का सेक्शन बाकी है, तो अभी माप छप का काम चल रहा है इधर, अभी भी मैं ये सब काम सीख रहा हूँ थोड़ा मोड़ा करके। अभी सजावट का काम चल रहा है, डीजे भी चालू होने वाला है, और अब इधर देख सकते हो कितना सारा फूड ट्रक है, बहुत मतलब बहुत ही सारा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। अभी सुबह के बज चुके हैं 9, आज हम थोड़ी टाइम के लिए बनने वाले हैं बार्बर, भाई का अभी हेयर कटिंग करने वाला हूँ मैं, उसके बाद रेडी होके काम पे जाने वाला हूँ। हेयर कटिंग पूरा होने के बाद दिखाते हैं। अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ, हालांकि मुझे धूप में बचने के लिए ऐसा फुल शर्ट पहनना पड़ता है क्योंकि काफ़ी धूप है बाहर। इसी रोड से जाने के लिए मुझे 20 मिनट लगता है लेकिन ट्रैफिक की वजह से मुझे 30 मिनट लग जाता है हर दिन, इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम लेके निकलता हूँ, फिर भी कभी कभी देर हो जाता है। रास्ता आधा से ज़्यादा पार कर लिया है और थोड़ी बचा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे धूप कितना सारा है, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है, तो जब जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है मैं इसी तरह ऐसे ही पेड़ के नीचे मैं रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया और वीडियो देखता है जो जो लोगों से मैं मिलता हूँ वो सब लोग मेरे को बोलता है आप हिंदी में बनाओ वीडियो, हिंदी में बनाओ वीडियो, और मैं तो पहले बंगाली में वीडियो बनाता था, इससे पहले मैंने जो अंडमान का वीडियो डाला था वो सब वीडियो जो वहाँ का जो लोग है वो सब लोग समझते नहीं है बंगाली काफ़ी सारे लोग, इसीलिए मैंने सोचा अभी से जो वीडियो आएगा वो सब ज़्यादातर वीडियो हिंदी में ही आएगा। अभी मैं आ चुका हूँ यही, तो अभी तो ताला भी नहीं खुला है, पूरा का पूरा बंद है, तो मेरे को ही खोलना पड़ेगा सब कुछ। आज जैसा आप लोग देख रहे हो मेरा हालत अभी क्या हो गया है, ऐसे ही रोज़ दिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है धूप से, तो अभी क्या है ये सब चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मेरे को और काम है, होटल आने के बाद मेरा फर्स्ट काम जो रहता है सीढ़ी से ऊपर उठना पड़ता है और जाना पड़ता है ऑफिस, यहीं अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन इसी अंधेरे में मुझे ये बायोमेट्रिक देना है। थैंक यू। जो ऐसा है तो अभी मेरा एंट्री हो गया है, अभी तो पूरा अंधेरा है तो मुझे धीरे धीरे करके सारे जगह का लाइट जलाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे डिस्प्ले भी सजा नहीं है, ये भी सजाना पड़ेगा, हालांकि ये मेरा काम नहीं है, मेरा कार्तिक दादा का काम है, उसको मैं थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देता हूँ आने के बाद, और थोड़ा ऊपर का लाइट बाकी है, अभी थोड़ा ये सब टेबल वेबल सेटअप वेटअप करना है। ये 4-5 दिन आया है ये कंसोल नया लेके आया, पहले मैं खुद ही चलाता था लेकिन अभी नया ये वाला लेके आया इसीलिए मैंने इसमें हाथ नहीं देता हूँ, हालांकि अभी पूरा का पूरा आदमी आने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा, 1 घंटे में सभी लोग आ जाएंगे, मुझे तो मतलब पहले आना पड़ता है सुबह, इसीलिए ये सब काम मेरे को ही करना पड़ता है। मैं पहले ड्रेस चेंज कर लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों से उतना ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करता, सिर्फ यही एक बंदा है, बाहर तो काफ़ी धूप है, आप रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर से देख सकते हो, तो फ्री टाइम में मैं यहाँ आके चिल करता हूँ, बैठता हूँ यही जगह पर मैं बैठता हूँ, और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, यहाँ विश्व बांग्ला गेट है इधर, पेंटिंग है जो आप लोग देख सकते हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग है इधर इस साइड, और इसका दूसरा साइड भी है जो अभी काम चल रहा है, उधर भी जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अभी काम चल रहा है इसीलिए इधर उतना सही नहीं है, कल हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा इधर ठीक किया। ये देखिए अभी तो ज़्यादा लाइट हो गया है पहले से, तो यही यहीं पर जो अभी काम चल रहा है इधर, यहाँ से देखिए
तो इस साइड एक टेक्चर है बांस से बना हुआ, बंबू से बना हुआ, और इधर आर्टिफिशियल पेड़ पौधे हैं। हालांकि कुछ दिन बाद ये सब पेड़ पौधे उठाकर ओरिजिनल वाला लगाया जाएगा इधर। तो गाइस अभी कार्तिक दा आ चुका है और हम लोग मतलब मैं और कार्तिक दा अभी ये ऊपर का सजा रहा हूँ ये सब डिस्प्ले। ये देखिए कार्तिक दा ऊपर का ये शैंपेन और वाइन, रेड वाइन वगैरह जो है सब सजा रहा है धीरे धीरे करके। और मैं अभी हेल्प कर रहा हूँ कार्तिक दा को, जो मैं कभी मतलब हर दिन तो नहीं करता, कभी कभी करता हूँ। अभी हम लोगों का डिस्प्ले लगभग सजा चुका है, थोड़ा और नीचे का सेक्शन बाकी है। ये देखिए यार इतना थोड़ा मोड़ा अल्कोहल इधर बचा है, और इधर सब लोग देखने के लिए आ गया क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा डीजे है यहाँ का और रजोदा बजाता है यहाँ पे, नाचता है। तो समय मिलेगा तो हम वो भी का फुटेज थोड़ा मोड़ा ऐड कर देंगे इस वीडियो में। अभी माप छप का काम चल रहा है इधर, तो अभी भी मैं ये सब काम सीख रहा हूँ थोड़ा मोड़ा करके। और जो कॉकटेल में मॉकटेल में जो जो बेसेस जाता है वो सब भी सीखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो यही थोड़ा मोड़ा हेल्पिंग हैंड काम चल रहा है, और अभी तो ये सब का थोड़ा मोड़ा माप छप ले रहा हूँ। तो ऐसे ही काम धीरे धीरे करके चल रहा है। अभी तो टाइम 2-3 घंटा हो गया है, अभी लंच टाइम भी हो गया, थोड़ा खाना रेडी हो जाएगा तो उधर खाने के लिए जाएंगे हम लोग। आज रविवार, चिकन शायद चिकन होगा। दोपहर का टाइम हुआ है और हम लोग लंच करने वाले हैं। जैसा बोला था रविवार है इसीलिए चिकन बनाया है। इधर चिकन के पीसेस है, इधर थोड़ा ग्रेवी है, और खाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। अभी खाना वाना ख़त्म करके हम लोग मतलब हम अभी आ चुके हैं इधर, खाना खा लिया। काफ़ी गर्मी था उधर तो इसीलिए मैं अभी खाना खा के रेस्ट करने के लिए अभी इधर बैठा है। अभी मैं और हमारा इधर का किचन का शेफ पवित्र वो भी बैठा है यहीं पे, हम लोग यहाँ इधर ही बैठते हैं। ब्लॉग ला रहा हूँ कैमरा। अच्छा मैं किचन गिलास पूछ रहा हूँ। सेकेंड हैंड माना मैं इतने, तो बनाना अभी कंप्लीट हो गया और अभी सर्व होगा गेस्ट को। चूर काच रहा हूँ मैं। कौन कुत्ता जाते हो अभी सजावट का काम चल रहा है, और अभी फ्लोर का लाइट जल चुका है। थोड़ी देर बाद डीजे भी चालू होने वाला है, और फ्लोर कुछ इस तरह से डांसिंग फ्लोर अभी रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से दिखता है डांसिंग फ्लोर। और हम लोग तो अभी काला काला दिखने वाला है क्योंकि ये लाइट ही कुछ इसी तरह है, सभी लोगों को काला बना देते हैं। गाइस हम अभी आ चुका है यहाँ से नीचे, और इधर से ये वाला फूलों का जो पेड़ आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुंदर लगता है इधर से देखने में। मैंने यहाँ बैठा हूँ तो आसपास का माहौल आप देख सकते हो। सामने वाला जो पेड़ प्लाजा बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग पे मैं काम करता हूँ। हल्का हल्का सा हवा आ रही है इधर से,
मतलब और इधर आप नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल सब प्लेस है। और इस तरह इधर की भी नज़ारा देख सकते हो। पीछे वाला ये जो आप लोगों ने मेट्रो स्टेशन देखा, तो ये अभी भी ये चालू नहीं हुआ, हालांकि सेक्टर 5 के अंदर वो चालू हो चुका है। और थोड़ा ये जो पीछे का जो रास्ता है, इस रास्ते से आप थोड़ा सा जाओगे तो विश्व बांग्ला गेट मिलेगा आप लोगों को, और थोड़ा जाओगे तो इको पार्क मिलेगा इसी रोड पर। और इधर सामने एक्सेस मॉल है, बड़ा फीस चल रहा है इधर से। काफ़ी टाइम यहाँ पे बैठा हूँ और एक घंटा ड्यूटी टाइम बचा है अभी ड्यूटी करने। अभी फ्लोर पे देखो गेस्ट कितना भर चुका है, और यहाँ पे बैलून का सजावट हो चुका है हैप्पी बर्थडे मना के। और यहाँ पे सिकंदर दा देखो सजावट का काम कर रहा है इधर सिकंदर दा, तो ये सब अभी चल रहा है। थोड़ी टाइम बाद गेस्ट आने वाला है, और इसीलिए सब सजावट हो रहा है। ये पूरा का पूरा सजावट सिकंदर दा ने किया है, और थोड़ा मोरा हेल्प मैंने और ये सर ने किया है। लाइट भी जल चुका है, लेकिन डीजे अभी तक आया नहीं, डीजे उधर रेस्ट कर रहा है। और फ्लोर का हालत थोड़ी टाइम बाद ही क्लीन कर दिया जाएगा। और यही सब लोग मीटिंग चल रहा है इधर, काम धाम तो कुछ हम लोगों का है ही नहीं ऐसा लगता है, सिर्फ मीटिंग चलता है। अभी टाइम ख़त्म हो गया, एक घंटा निकल गया, अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। और इतना सारा लोग हमको बाय बोलने आए हैं, देखो सब टाटा कर रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं इधर से, तो धीरे धीरे करके हम उधर अभी सेंटर में जाने वाले हैं। ठीक है, तो टाटा आते हैं, बाय बाय। तो गाइस काम मेरा ख़त्म हो गया है, अभी मैं बिल्डिंग से निकल चुका हूँ, और थोड़ी टाइम पहले मैं यहाँ बैठा था, यही अब इसी रोड से मैं जाने वाला हूँ पैदल थोड़ा दूसरा जगह पे। तो क्योंकि आज रविवार है, थोड़ा हमारा क्राउड उधर ज़्यादा ही होगा, फिर भी चलते हैं देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है माहौल वहाँ का। इस साइड लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, काफ़ी सारा जगहों पे इधर लाइव परफॉर्मेंस होता रहता है हर एक रविवार, ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन हो रहा है आज, हर रविवार ऐसा ही होता है इधर। ये जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे काफ़ी सारे लोग इधर बैठा है, और एक स्टेज भी बना है, थोड़ा मोड़ा शायद कुछ परफॉर्मेंस होगा। और जैसे आप इधर देख सकते हो पूरा मेले का जैसा है, मतलब काफ़ी लोग है इधर, कार भरा पड़ा है, और उधर फूड ट्रक है काफ़ी सारे। तो यही आज रविवार इसीलिए क्राउड वगैरह ज़्यादा है, लेकिन दूसरा दिन इतना क्राउड नहीं रहता। तो ऐसे ही हिलना नहीं है ऐसे आप देख सकते हो, मतलब फूड ट्रक इधर उधर इधर चारों तरफ फूड ट्रक है, बस यही छोटा मोटा लोग अभी इधर स्केटिंग कर रहा है। तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन तेज़ी से हवा भी चल रहा है। अब इधर देख सकते हो कितना सारा फूड ट्रक है, बहुत मतलब बहुत ही सारा। और ये वाला मतलब इसमें एक सिनेमैटिक व्यू हो सकता है, ये जो आपने देखा। जैसे कि आज रविवार है, क्राउड भी ज़्यादा है, और यहाँ पे हर एक टाइम हम बोलते हैं जैसा बोलते हैं लाइव परफॉर्मेंस होता रहता है, तो वैसे ही इधर भी एक लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। यहाँ में जो म्यूजिक चल रहा था वो तो अभी ख़त्म हो गया, अभी जैसा पैकिंग सेकिंग चल रहा है। ये जो ऊपर का साइड देख रहे हो, यहाँ में बहुत लाइट है, तो मतलब फ़ोटो सेशन बिल्कुल सब कुछ अच्छा चलता है। और यहाँ का माहौल तो आप सब लोग देख सकते हो, पीछे काफ़ी सारा फूड ट्रक खड़ा है, पूरा का पूरा वॉकिंग स्ट्रीट इधर भरा पड़ा है, और इधर हवा चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा माहौल बन चुका है इधर। हर एक रविवार ऐसे ही ब्यूटीफुल सा माहौल बनता है। पिछले कुछ दिनों से तो मैं ठीक ठाक वीडियो नहीं डाल रहा था, अभी मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे करके मतलब बहुत ही जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। तो गाइस वीडियो यही ख़त्म करते हैं, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा फर्स्ट हिंदी में व्लॉगिंग वीडियो है, ऐसे ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर।